इंटरेस्ट कैसे बिल्ड होता है? इंटरेस्ट तब बिल्ड अप होता है उस काम का गोल या पर्पस क्या है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं, मैं इस इवेंट का जो एक घंटा पहले मैं बात करके आया इस इवेंट के ऊपर, अभी मेरी एनर्जी फुल बूस्ट अप हूं और एक्साइटेड हूं इस इवेंट के बारे में और आपसे और भी डिस्कशन कर रहा हूं। सो मेरा पर्पस क्या है? मेरा ये पर्पस है कि मैं जिन लोगों को अप्रिशिएट करता हूं, जिनसे मिलना चाहता हूं, जिनसे सीखना चाहता हूं, मैं इस सैटरडे को उनसे जाके सीखूंगा, उनसे कनेक्ट होऊंगा, उनके साए में बैठूंगा, ठीक है, और जो है ना उनसे सीखने का मौका मिलेगा। ठीक, सो दिस इज माई ड्राइविंग फोर्स। और उसके लिए अगर किसी को मैं हेल्प आउट कर देता हूँ, गाइड कर देता हूँ कि यार आप ये फायदे शायद आपको भी हो सकते हैं और वो आ जाता है, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी, राइट? सो आपका इंटरेस्ट क्या है? असल में इंटरेस्ट इसलिए बिल्डअप नहीं होता खासतौर पर ऑनलाइन बिजनेसिस के अंदर, क्योंकि हम लोग ज्यादातर सारे 99% जो लोग ऑनलाइन फील्ड में स्टार्ट करते हैं, क्यों? पैसा, पैसा, और वो भी डॉलर्स, कि डॉलर्स में पैसा कमा लें, जल्दी कमा लें, ज्यादा कमा लें। अब जब आपका गोल ये है, आपका पर्पस ये है पैसा, तो वो तो एकदम से तो नहीं आएगा, वो फौरन से नहीं आएगा। जब फौरन से नहीं आएगा, एकदम से नहीं आएगा, एक महीने में नहीं आएगा, दो महीने में नहीं आएगा, और उतना नहीं आएगा जितना आप करना चाहते हो, कंसिस्टेंट नहीं आएगा, तो फिर तो मोटिवेशन गई घास लेने, ठीक है? फिर क्या करेंगे? फिर आप ठंडे हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे यार दूसरा काम कर लो। इसीलिए लोग जंप करते हैं, हर उस काम पे जाते हैं, समझते हैं कि चार पैसे कमा सकते हैं। सो अगर पैसा आपका फर्स्ट गोल है, फर्स्ट मिशन है, तो बड़ा गंदा आपने गोल सेट कर लिया है, बड़ा ऐसा गोल सेट कर लिया है जिसके अंदर आपको नेगेटिव एनर्जीज मिलेंगी, आप अपने मिशन से, गोल से दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये मिलेगा ही नहीं, स्टार्ट में मिलेगा ही नहीं। जब मिलेगा नहीं तो अंदर से जुस्तुजू आएगी, यार ये काम सही नहीं, ये ट्रैक सही नहीं, ये स्किल सही नहीं है, ये मैं गलत रास्ते पे हूँ। आपको इर्द गिर्द में कोई बंदा दूसरे काम से काम कर रहा, पैसे कमा रहा होगा, आपको वो नजर आएगा। बड़ी अच्छी कोड मेरे मेंटर ने कही, उसने कहा इसको टाइप करें, मैं ये कोड्स टाइप करवाता हूँ ताकि आपको याद रहे और जो बंदा रिप्ले देखे तो वो उसको समझ सके। द ग्रास इज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि जो घास है वो दूसरी साइड पे हरी नहीं है। द ग्रास इज ग्रीनर वेयर यू वाटर इट, कि घास वहां पे ग्रीन होती है जहां पे आप पानी डालते हैं। क्या है? द ग्रास इज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, द ग्रास इज ग्रीनर वेयर यू वाटर इट। तो जिस काम के अंदर आप एफर्ट डालेंगे, एनर्जीज डालेंगे, टाइम लगाएंगे, रिसोर्सेज लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, सीखेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, फिर सीखेंगे, फिर गिरेंगे, फिर लर्निंग करेंगे, फेलियर से सीखेंगे, आप वहां पे ग्रो कर जाएंगे और अपना नाम बनाने में कामयाब होंगे। लेकिन अगर आपका पर्पस पैसा है तो फिर दूसरी चीज में पैसा नजर आएगा, इधर चला जाएंगे, फिर तीसरी चीज में नजर आएगा, पैसा इधर चला जाएंगे, राइट? सो इंटरेस्ट बिल्डअप होता है पर्पस से। तो व्हाट इज योर पर्पस? पैसा बिल्कुल पर्पस होना चाहिए, बट फिर डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? हम सारे जितने भी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हैं, श्याम भाई बैठे हुए, तोसीफ भाई बैठे हुए, और जितने भी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, और एंटरप्रेन्योरियल की डेफिनेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है, ही वर्क्स टू सर्व अदर्स To generate profit, वो सर्व करता है लोगों को ताकि प्रॉफिट जनरेट कर सके, ठीक है, बिजनेस बिल्डअप कर सके। बिजनेस की डेफिनेशन ही यही है कि प्रॉफिट आप जनरेट करते हैं, राइट? सो वो हम सारे किस लिए काम करते हैं? प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो पैसा तो आएगा ही आएगा, बट अगर पैसा पहला गोल होगा तो पैसा दूर भाग जाएगा और फंस जाऊंगा, ठीक है? और ये बड़ी, और हम आते भी क्यों है ऑनलाइन फील्ड के अंदर, कि हम बाकी सारे काम से लेजी अपने आप को फील करते हैं, करना नहीं चाहते।